अन्ना मुकेश भाई को आमंत्रित कर। हाँ बोलिए मुकेश भाई। भाई अपना अनम्यूट करिएगा अपने आप को। हाँ हुआ? हाँ हाँ भाई बोलिए। शिविर में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई है जिससे हम अपना व्यक्तित्व सुधार कर सकते हैं और आने वाले समय में दूसरों को व्यक्तित्व को सुधार करने के लिए बता सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर यह था हमारे लिए, जो हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई है जिससे हम अपना सुधार कर दूसरों को जानकारियां बता सकते हैं। आपने जो कहा कि आप जितनी भी जानकारियां आपको मिली है इसको आप दूसरों को भी बता सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए आपने कुछ विचार किया है कि बाद में करेंगे कुछ और साथियों के साथ? साथियों के साथ अपना शिविर का संचालन कर सकते हैं एक दिवस का। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा भी उद्देश्य यही था कि जितने भी हमारे युवा साथी जुड़े हैं वो खुद भी इसको सीखें और सीखने के पश्चात अपने अन्य युवा साथियों को, आप बहुत ज्यादा बड़ा दायरा न भी लेंगे तो आपके साथ जो उठते बैठते हैं ऐसे मित्रगणों के बीच आप इसको चर्चा कर सकते हैं। और आप चाहें तो चूंकि YouTube में सभी कक्षाएं मौजूद हैं, उस YouTube को दिखा सकते हैं, उनको डाउनलोड करके बता सकते हैं और एक जगह पे बैठ करके अपने साथियों को उसको प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये बहुत ही एक शानदार पहल होगा अपने इस शिक्षण का, प्रशिक्षण का। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आप जो भी वहां पे इस प्रकार का कार्य करेंगे उसकी जानकारी नजदीक के प्रज्ञापीठ या शक्तिपीठ के भाइयों को भी दे दीजिएगा और हमें भी सूचित कीजिएगा। अमेरिकापुर शक्तिपीठ है जानकारी सूचना देने के लिए। बिल्कुल, अंबिकापुर शक्तिपीठ में दे दीजिएगा और उसकी जानकारी हमारे प्रकोष्ठ को भी दीजिएगा। हम लोग भी अपना नंबर यहाँ पे दे देंगे प्रकोष्ठ का, जिससे कि हमको भी पता चले। और आप कभी भी किसी बात के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं मार्गदर्शन के लिए। जी ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद जी। ठीक है, अब हमारे दूसरे भाई जो भानु प्रसाद जी, भानु प्रसाद साहू, अपने मोबाइल से आप जाइए और अपनी बात रखिए। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम भैया। ग्रुप में जुड़े हुए सभी दीदी और भाइयों को प्रणाम। आप कहाँ से हैं पहले बताइए। मैं बलौदा बाजार जिले से हूँ, यहाँ सरसीवा, सरसीवा से। सरसीवा आप अपना नंबर भी बताइएगा भाई। मोबाइल नंबर? जी 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 ठीक है, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते। हाँ बता दीजिए। 98 जी 2790 जी 9175 जी। ठीक है बोलिए। हाँ जी, मैं पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और इससे मेरे को बहुत बहुत सारा सीखने को मिला है। मैं अभी छात्र हूँ, मैं तो मेरे छात्र जीवन के लिए बहुत सारे उपयोगी चीज अभी सीखने को मिला कि कैसे अपना व्यक्तित्व को निखारा जाए, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाया जाए, अपने अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के वातावरण में कैसे अपने को अनुकूल करें, सबके बारे से बहुत बढ़िया जानकारी दिया गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने
हम सबको इतना अच्छा ज्ञान दिया, और धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, जो आप सभी लोगों ने मेरे को इस पात्र समझा कि आप मेरे को ऐसा कुछ ज्ञान दे सके। ये बहुत बढ़िया भानु भाई, आपके सरसीवा क्षेत्र में भी हमारे परिजन हैं, आप परिजन से भी संपर्क कीजिएगा, उनको बोलिएगा कि इस प्रकार का एक कुछ युवाओं को इकट्ठा करें। आप यदि कर सकते हैं तो जैसे मुकेश भाई प्रयास करेंगे वैसे आप भी प्रयास कीजिएगा, अपने मित्रों को इकट्ठा कीजिएगा और YouTube डाउनलोड करके आप उस विषय को दिखा सकते हैं जिस विषय के बारे में अपने भाइयों को बताना चाहेंगे। ये अभियान जरूर चलाइएगा, निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि आपके साथ और भी युवा हैं जो उसको अवश्य पसंद करेंगे और उस दिशा में। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत। टेलीग्राम से जुड़े भानु प्रसाद भाई टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं? हाँ जी जी, ठीक है ठीक। इसके पश्चात और कौन है जो नियमित रूप से जुड़ते हैं? सुमन है भैया जी। सुमन सुमन आप सुमन बोलिए। सुमन कहाँ चले गए, बाहर हो गई हैं क्या? हाँ, पूजा करके जुड़ी हुई थी वो अभी निकल गई क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बाहर नहीं हुई है, इसी का व्यक्तित्व निर्माण तो करना है। पूजा साहू करके तो जुड़ी हैं? अच्छा नहीं नहीं वो हाँ पूजा साहू भी जुड़ी हुई हैं, वो भी जुड़ती हैं कंटिन्यू। सुमन आ गई भैया? सुमन ठीक है बताइए सुमन जी। सभी को प्रणाम। वैसे तो मैं बहुत सारे मतलब युवा शिविर अटेंड की हूँ, तो इसमें बहुत सारे मतलब नए नए विषय था अलग अलग, तो सभी को धन्यवाद। और इससे मतलब बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, मतलब दूसरे शिविर की अपेक्षा। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे विद्यार्थी भी हैं, ये शिक्षक भी हैं हमारे, ये भी खुद कक्षा लेती हैं और खुद और भी सीख रही हैं, और हमारी शिविर में बड़ी भूमिका है आपकी। तो ऐसे होनहार युवाओं को हमको तलाश है और हमें उम्मीद है कि शिविर से कुछ हमारे युवा जरूर इस प्रकार के निकलेंगे। अब और दूसरे भाई बहन पूजा साहू करके हैं, पूजा साहू ये भी जुड़ती हैं हमेशा। हाँ पूजा साहू आप अपने को अनम्यूट कीजिए। अभी नहीं, शायद बोलने की स्थिति में नहीं। जया साहू पूजा साहू दोनों वीडियो में नहीं है, दोनों वीडियो में आए, निवेदन है आप लोगों से। आ गई पूजा साहू, ठीक है। और तब तक के लिए कोई दूसरा युवा भाई बहन जो जुड़े हैं उनको आमंत्रित कीजिए। सारे तो वीडियो ऑन करें, जया साहू पूजा साहू कहाँ से है कौन है, अपना वीडियो ऑन करें, निवेदन है भाई वीडियो ऑन कर दीजिए। जी दीदी जी प्रणाम। जी प्रणाम, कहाँ से बोल रहे हैं? पूजा जी। हाँ बोलिए। आप सभी की बातें बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत सारे आचरण की चीजें जानने सीखने को मिला, संस्कार की चीजें जानने सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा वो अचेतन मन चेतन मन ये बातें मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित किए, और संस्कार की चीजें जानने को मिली ये बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ
वीडियो वीडियो को चालू करके नहीं बैठते थे क्या पूजा जी? नहीं, वीडियो ऑन नहीं करती थी दीदी मैं। हम लोग तो बड़े नर्वस हैं इस कारण से कि वीडियो चालू नहीं करने का भला क्या बात, क्या कारण है? उसमें शामिल होने का भाव भी नहीं आता और हमारी ओर से हम लोगों का जो मनोबल है ना वो भी कमजोर होता है। तो जो शिविर में शामिल होता है उसको तो अपना वीडियो को ऑन करना ही चाहिए। अगली बार से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना महत्वपूर्ण आपको लगा शिविर तो उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए आप लोग हैं। तो ये कीमत समझिए अपनी और हम लोगों का थोड़ा हौसला अफजाई किया करिए, वीडियो ऑन रखा करिए। आप क्या करेंगी ये भी बताइए हैं। अच्छा तो लगा, ठीक है, आप क्या करेंगे इस संबंध में भी दो शब्द बोलेंगे। ना कुछ नेटवर्क की समस्या है। और इसके पश्चात और दूसरे को आमंत्रित कीजिए। मनीषा यादव दीदी का हमेशा टेलीग्राम में रहता था, विचार करता था, जुड़ी है क्या? और भी जब बहन आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं क्या? पूजा साहू बहन टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं? वो म्यूट हो गई है, पहले अनम्यूट हो जाए। आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा बहन। हाँ, जुड़े टेलीग्राम से। ठीक है, जो व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर वाला जो समूह उसी से ना? हाँ, जुड़े हैं। ठीक जी, ठीक है। भविष्य में और भी जो भी जानकारियां रहेंगी आपको उसमें मिलती रहेंगी, आप लोग सतत उसमें जुड़े रहिएगा। ठीक है जी। और कौन है? ज्योति दीदी। हमारी जो दीदी हैं बाग बाहर से रामाधीन यादव भैया जी और दीदी दोनों जुड़े हुए हैं। भले ही दीदी दोनों टाइम रहती हैं, पूरी कक्षा में रहती हैं, दीदी भैया दोनों को प्रणाम। और वो पूरे युवा शिविर की कक्षा अटेंड करी हैं दीदी, तो दीदी भी अपने विचार रखिए। अनम्यूट कीजिए पहले अपने लैपटॉप से या मोबाइल से। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। दीदी युवा शिविर इतना हमको अच्छा लगे दीदी कि कहां नहीं जा सकते। इसी को हम शांति कुंज में करने के लिए जाते थे, तो शांति कुंज में जाते थे तो हर वो तो डेली क्लास लगते थे, तो क्लास क्लास में हम परेशान हो जाते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि हमें थकान महसूस होती थी दीदी, और थकान होने के कारण हम कभी कभी सो जाते थे तो कभी और। तो हमें इतना सहज रूप में हमें यह शिविर हमें प्राप्त हुई, आप सबसे जानकारी दे रही थे हम कह नहीं सकते। और जब यहाँ खल्लारी में एक बार शिविर हुए थे 14-15 में जब शिविर हुए थे दीदी यहाँ युवा शिविर, तो उस समय तो हम शिविर अटेंड नहीं कर पाए थे और उस समय क्या है हमारे भोजन व्यवस्था में थी, तो इस समय हमें इतना अच्छा मौका मिला दीदी तो हम कह नहीं सकते। और उस समय जब विदाई हुई कुंती दीदी आप सभी का, तो हम उसमें बहुत ही रो पड़े और ऐसे आप ऐसे आज भी लग रहे हैं कि हमें रोना आ जाए इसी टाइप से। तो दीदी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे शिविर आप सभी करते रहे। भैया भी कुछ बोलेंगे? भैया आप भी कुछ बोलिएगा। हाँ प्रणाम दीदी। भैया प्रणाम। निश्चित रूप से दीदी व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर का आयोजन हम सब छत्तीसगढ़ के लिए और खासकर हमारे युवा साथियों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है।
और विशेष रूप से हमने प्रयास किया था कि बागबाहरा ब्लॉक से बहुत सारे युवकों का पंजीयन किया था, लेकिन कई ऐसे युवा साथी हैं जो अपना रोजगार के लिए कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा टाइम तो नहीं दे सका, लेकिन निश्चित रूप से बागबाहरा ब्लॉक से 6-7 हमारे भाई बहन तो जुड़े रहे हैं। और क्योंकि मैं भी कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहता है, फिर भी समय जब भी रहा है मैं निश्चित रूप से इस व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर में अपना समय दिया हूँ। और जो भी आप लोगों से विषय विशेषज्ञों से समय समय में जो निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो प्राप्त हुआ है उसे हम अपने बागबाहरा ब्लॉक के नए युवा साथियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दीदी मैं यही आशा और अपेक्षा रखता हूँ हमारे आयोजक और संयोजक गणों से कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हम सभी नए नए युवा साथियों को नया नया मार्गदर्शन दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और ऐसे आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ आदरणीय राठौर भाई साहब जी के और कुंती दीदी और उषा किरण दीदी जी का मार्गदर्शन हमें सतत प्राप्त होता रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में बस इतने शब्दों के साथ अपने बात समाप्त। धन्यवाद भैया जी, और आप सबके सहयोग से ही बहुत ही ये सत्र अपना हुआ और समापन है आज इसका। हाँ, बल्कि एक और भैया जी बागबाहरा से ही जुड़ते हैं, लोचन सिंह साहू जी। भैया प्रणाम भैया जी, देवकी लोचन सिंह का। हाँ, स्क्रीन पे लाइए जी, वो भी सतत जुड़ते हैं कक्षाओं से। भैया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम भाई। वैसे दीदी जी मैं प्रॉपर धमतरी से हूँ, लेकिन बागबाहरा ब्लॉक में शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। तो भैया जी रामन यादव जी अभी जो आप सामने आए थे उन्हीं के सौजन्य में ज्यादा मतलब उस तत्वधान में उनके मार्गदर्शन में मैं ज्यादा कहूँ। और आपका जो ये शिविर बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार ऐसा शिविर ज्वाइन किया जिसमें बहुत चीज तो जानता था मगर भूल सा गया था, लेकिन फिर मेरे माइंड सब रिवाइंड आया और काफी अच्छा लगा, ऐसे शिविर होते रहना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम सबको। प्रणाम भैया, धन्यवाद। विभा अग्रवाल ने प्रश्न पूछा है, आज लास्ट कल से क्लास नहीं होगी। हाँ, युवा शिविर का जो विषय रखता है बहन वो तो ये सत्र समापन हो गया, अब और विचार करने के बाद पुनः प्रारंभ बाद में किया जाएगा। और शाम को जो नारी जागरण का चलता है 3 बजे से वो अभी कंटिन्यू है, आज होगा उसका कक्षा। और विभा बहन तो बाल संस्कार शाला में जुड़ती हैं और कन्या उसमें नारी जागरण में जुड़ती रहती हैं, वो दीदी हैं। आगे चलें, आगे। बाकी तो अपने सब परिजन हैं दीदी। आप ठीक है तो अब दीदी अपना विचार व्यक्त करें समापन अवसर पर। हेलो भैया, मैं भी अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगी। अच्छा, हाँ दीदी। हाँ जी दीदी, स्पॉटलाइट कीजिए। अरे भाई, आप सभी को प्रणाम। प्रणाम। और जो 13 जुलाई से ये क्लास चालू हुई थी तो इसमें आप सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया था और उनके माध्यम से हमें मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान और व्यक्तित्व विकास, गायत्री मंत्र के किस प्रकार से हम पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो, प्रज्ञा योग, इस तरह से बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के क्लास आप लोगों ने निःशुल्क, वो भी बिना किसी भी शुल्क के, अभी ये कोरोना संकट में जो सभी को उपलब्ध कराया और सभी के लिए था और सबको जुड़ना भी चाहिए था, तो बहुत ही अच्छा रहा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही शिक्षण प्रशिक्षण का सत्र आप लोग फिर से लेकर आइए, हम सब फिर से जुड़ेंगे। और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शिक्षाप्रद था सभी को। अगर और अनेक लोग भी जुड़ते तो बहुत बहुत लाभ सबको मिलता। बहुत प्रकार के जो ऐसे शिक्षा है जो कई लोग नहीं जानते, और अपने अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये सब कृषि वृषि कार्य में बिजी रहने की वजह से वो इस टाइम अगर टाइम निकाल कर इसको अटेंड कर भी लेते, क्योंकि ये मोबाइल से हो रहा था, जाना भी नहीं पड़ता,
तो बहुत अच्छा था, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप अपना धन्यवाद दीदी। और सही खैर काम तो हो ही रहा है, चाहे तो लोग बात जैसे वीडियो ऑन ना करके अभी तक इसमें जुड़ते रहते उस तरीके से और लाभ लिया जा सकता था। सही कहा दीदी आपने। दीदी आप अपना नंबर बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर आप बता दीजिए थोड़ा सा। आप लिखेंगे 73896 जी, 73896 00627 जी। जी दीदी धन्यवाद। ये टेलीग्राम समूह में जुड़े हैं दीदी आप? मैं नहीं जुड़ी हूँ, मेरे को उस बारे में जानकारी नहीं था, बीच में चैट बॉक्स में पूछी थी, कोई बताया नहीं तो नहीं समझ पाई क्या है वो टेलीग्राम। हाँ ठीक है। ये युवाओं के लिए जब ये सत्र अपना प्रारंभ हुआ दीदी व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर, तब उसके लिए टेलीग्राम समूह बनाया गया था ताकि सारे भाई बहन उसमें पंजीयन होकर उसमें जुड़ जाएं, ताकि सतत उनको जानकारी मिलती रहे कौन सी कक्षा होनी है या और भी आगामी जो भी योजनाएं बनेंगी उसके संबंध में उस समूह को बनाया गया था कि और भी कई प्रकार की उसमें जानकारियां आप लोग को मिलती रहे। इसलिए तो उसमें खैर आपको आप इसमें जुड़ सकते हैं दीदी। मैं आपका नंबर नोट कर ली हूँ, आपको उसका लिंक भेज दूंगी मैं। ठीक है, तो लिंक किस में भेजेंगे? आज तो अभी ये चैट बॉक्स बंद हो जाएगा। नहीं आपका नंबर मेरे पास आ गया ना दीदी, मैं आपके नंबर पर भेज दूंगी। ठीक है जी जी जी। प्रणाम दीदी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी क्लास में अटेंड की थी, बहुत अच्छा था, अच्छे से समझाते हैं। और कुछ क्या है, बच्चे का भी एग्जाम था 5 से 11, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट अटेंड कर पाती थी, और अभी ऑनलाइन स्कूल भी चालू हो गई तो इसलिए आज भी 12 बजे ज्वाइन की हूँ क्लास खत्म होते ही, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा लेट हो पाया, लेकिन सब क्लास बहुत अच्छे थे। अगर कुछ छूट गया होगा तो यूट्यूब में सारी कक्षाएं और हैं, बार बार देख सकते हैं सभी कक्षाओं को। जी प्रणाम दीदी, धन्यवाद। प्रणाम दीदी। इसके पश्चात अभी कोई नहीं है, आगे बढ़ाते हैं, तो कोई नहीं है और ठीक है। चलिए दीदी आप कुछ बोलिए। हाँ भैया जी, प्रणाम। प्रणाम। इस सत्र में जुड़े सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और युवा साथियों, आज औपचारिक रूप से शिविर का अंतिम दिन है, औपचारिक रूप से। अब शिविर के संबंध में तो क्या कहूँ, अपने ही बारे में बोलती हूँ। सबसे पहली बात है कि हमें इस शिविर से बहुत फायदा हुआ, औरों को फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ नहीं मालूम भाई, कितना लाभ उठाया, लाभ उठाने वाला जानता है, लेकिन हमारी बड़ी बहुत शानदार तैयारी हो गई और दूसरों को जो मैटर उपलब्ध कराना पड़ता है उसके लिए स्वयं भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उस दृष्टि से हाँ हमारी अपनी तैयारी बहुत अच्छी रही, एक बात। दूसरी बात, जो उद्देश्य है शिविर का, जिस उद्देश्य से शिविर आयोजन किया गया, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम शिविर का आयोजन करते हैं वो प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे वो भैया बोल रहे थे ना बीजारोपण होता है, बिल्कुल सत्य बात है। मुझे याद आती पहले की बातें, जब युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से युवा शिविर ना होकर के क्षेत्रों में युवा शिविर होता था, तो मुझे याद आता है कि एक शिविर में केवल, जबकि उसमें हजारों रुपए जाते थे, इतना समय लगता था, मैं तो मेडिकल लीव लेकर के जाती थी, पूरे 8 दिन का मेडिकल लीव लेकर के जाती थी, ईएल लेकर के जाती थी, और उसमें इतने हजार खर्चे होते थे, इतना परिश्रम करना पड़ता था, और सब कुछ होने के बाद भी वहां पर शिविर होते तक तो सब अच्छा रहता था, सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन अधिकांश बच्चे संपर्क करने के बाद भी दर दर छंट जाते थे,
उसमें से मुश्किल से कोई दो या तीन स्थायी रूप से बन पाते थे, और वही जो स्थायी रूप से बन पाए थे वो आज युवा टीम में शामिल होकर के और बहुत आगे बढ़ करके पूरे युवा प्रकोष्ठ कह लीजिए और चाहे नई पीढ़ी में मिशन को थामने के योग्य उनके हाथ हो गए हैं। तो ये परिवर्तन उनमें आया और इस तरह से प्रत्येक शिविर में इसी प्रकार से कुछ दो चार की संख्या में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे शिविरार्थी मिले। तो बीजारोपण इस तरीके से होता है जैसे, तो बिल्कुल सत्य बात है। मैं निवेदन यही करना चाहूंगी, जो हमारे नए भाई बहन है जो पहली बार शिविर देख रहे होंगे, तो पहली बार शिविर देख रहे हैं तो उनसे मेरी ये प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप गुरु दक्षिणा चुकाएं। गुरु दक्षिणा हमारे यहाँ कैसे होता है? हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा किसी साधन के आधार पर नहीं होता, कोई रुपये पैसे के आधार पर कभी नहीं होता, फीस के आधार पर तो कतई ही नहीं होता। और वो यही होता है कि हमने जो सीखा उसको हम हृदयंगम करके अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उसको शुमार करें और उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का अभ्यास आरंभ करें। चाहे वो कोई भी कक्षा आपने अटेंड की हो, आपको यदि कुछ भी चीज अच्छी लगी, मान लीजिए तो अच्छी लगी है, तो उसके लिए ये तैयारी की जाए एक। और दूसरा मैं निवेदन यही करूंगी कि आप संगठनात्मक दृष्टिकोण से, मतलब यदि आप गायत्री परिवार को जानते हैं, पहचानते हैं, तो गायत्री परिवार के संपर्क में आकर के उनके साथ आप कुछ अपना नियोजन कर सकते हैं। और डायरेक्ट युवा प्रकोष्ठ से भी जुड़िए, हमारा ये निवेदन रहेगा। आप यहाँ का फोन नंबर रखिए, राठौर जी भाई साहब जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट बना करके आगे की सारी चीजें को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोगों से भी यदि चाहे तो बात कर सकते हैं। लेकिन आप संगठनात्मक रूप से भी जरूर, जैसे दूसरों को देने की बात आती है तो दक्षिणा में ये भी होता है गुरु दक्षिणा में, ये हमने जो सीखा हम वो दूसरों को देंगे, दूसरों को बांटेंगे। इसी का नाम गायत्री परिवार भी है और इसे का नाम गुरु दक्षिणा भी मानी जा सकती है। ये दो निवेदन मैं आप लोगों से करूंगी, जो नए भाई हैं, जो नए युवा साथी हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो वास्तव में गायत्री परिवार से जुड़े हैं। खल्लारी वाली दीदी भैया लोग जो भी अपने उद्गार को व्यक्त किए, खल्लारी का समय याद आता मुझे, राठौर जी भाई साहब वहां पर गए थे, उनको याद हुआ। और समापन का जो दृश्य था वो दृश्य बड़ा ही इतना ज्यादा मार्मिक था, इतना ज्यादा द्रवित करने वाला था कि उसको जगह जगह दिखाते देखते भी थे हम लोग। और उसमें बहुत ही ऐसा दृश्य था कि ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यही विडंबना की बात कि उसके पश्चात उसको सहेजने के लिए शायद स्थानीय रूप से ऐसा प्रयास नहीं हुआ होगा या फिर कोई कारण रही होगी। तो गायत्री परिवार के जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो जुड़ते हुए आ रहे हैं, जिन्हें ये अच्छा लगता है, सार्थक लगता है, होना चाहिए, जैसे कि आपने उद्गार भी व्यक्त किया, तो इस तरह का आयोजन के बारे में सोचे। और उससे भी पहले जिन लोगों से हम पहले जुड़े हुए थे उनको लेकर के अपने संगठन को हम मजबूत बनाएं। वो युवा साथी संख्या में 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, उनको ढूंढा जाए, उनको तराशा जाए, क्योंकि एक बार उनके ऊपर मेहनत हो चुका है, बीजारोपण हो चुका है, इसलिए वो निश्चित रूप से औरों की तुलना में ज्यादा उन्नति कर चुके हैं। उनके भीतर में बीजारोपण हो जाने के परिणाम स्वरूप आपकी बात को, हमारी बात को वो ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे, अपेक्षाओं को ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो उनको ढूंढा खोजा जाए और उनके माध्यम से, वो आपके हमारे हाथ पैर हैं, उनके माध्यम से हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो भी योजनाएं उनके संदर्भ में। क्योंकि युवा साथियों की संख्या बहुत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अभी कार्य योजना के संबंध में बहुत सारी कोई बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आगे जब ऐसी स्थिति फिर से आएगी तब फिर उसके संबंध में बातचीत होगी। तो यही मेरा निवेदन था। और आप सबका जो जुड़ने वाले होते हैं उनके द्वारा जो एक मनोबल बढ़ता है, उससे फिर आगे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। आप मनोबल को आप बढ़ाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा शिष्य जो होता है वो अच्छा शिक्षक पैदा करता है, तो ये 100% सत्य बात है। शिक्षकों की सक्रियता, शिक्षकों की जिम्मेदारी को मानना समझना और उसके अनुसार अपने आप को बिल्कुल फिट रखना, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। वास्तव में उनके जो शिष्य कह लीजिए, उनके जो छात्र कह लीजिए, उनके उनसे जो लाभ उठाने वाले लोग होते हैं, उनकी सक्रियता के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करती है। तो मैं यही निवेदन करूंगी कि सब लोग अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें
और आगे आने वाला समय युवाओं का है, इस बात को तो हम सबको नोट करके रख लेना चाहिए। अब युवाओं का है तो युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपने स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा, अपने आप का स्तर, अपने आप की दक्षता को, कुशलता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को भीतर से शानदार बनाना पड़ेगा। तो इन सब के लिए जो YouTube में है, तो मैं तो निवेदन करूंगी जितने भी भाई बहन जुड़े थे, YouTube विषय उसको बार बार देखें, बार बार सुने, आप उनके पॉइंट्स बनाएं, आप उनके नोट्स बनाएं और उस बात को अपने दूसरे भाइयों बहनों के सामने प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। पहला अभ्यास तो अपने ऊपर उतारना है और दूसरा अभ्यास अपने छोटे भाइयों बहनों, अपने अड़ोस पड़ोस में या जो भी आपके संपर्क सर्किल में है उनके बीच में उसको कहने का अभ्यास करें, तो आप निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। और एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्द ही जब जब ऑनलाइन क्लास होगी या कोई युवा शिविर होगा, तो आप हमारे साथ में या आप अपने आप में ही स्वयं प्रशिक्षक के रूप में आप सामने आएंगे। हमारे बीच में से बहुत से युवा साथी हैं जो प्रशिक्षक की भूमिका में आज हैं, तो वो पहले शिविर में छात्र थे, शिविर में शिविरार्थी के रूप में उन्होंने शिरकत किया था और आज वो प्रशिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं क्योंकि भीतर से उनकी तैयारी हो गई है। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग ऐसी तैयारी भी करें, कुल मिलाकर के भीतर से बाहर तक सब और ये बनने बनाने का प्रयास करने के लिए, चूंकि YouTube में है हमारा मैटर इसलिए बहुत ये सहयोग करेगा आपको। तो मेरा यही निवेदन था और बाकी मैं इसके लिए भैया को, अपने ओम प्रकाश राठौर जी भैया को हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी इस बात के लिए कि उन्होंने वास्तव में, ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है ये, कि केवल उनके स्वयं के इस बिल्कुल एकदम से दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और उनके अपने आत्मविश्वास के कारण और उनका जो समर्पण है मिशन के प्रति और कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, खासकर युवाओं को, उनके स्तर को ऊंचा उठाते 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 ऊपर के लेवल पर ले जाने के वाली बात जो आती है उसमें, और युवा साथियों को, नई पीढ़ी को मिशन के बागडोर को संभालने के लिए, उनको उस स्तर तक पहुंचाने की, उनके भीतर में वो चीज डाल देने की, ये जो उनके भीतर की जो इच्छा है या जो संकल्प है, इसने ही काम किया है और इसके आधार पर ही ये जो पूरी टीम है अपनी, हमारी जो इतनी सारे लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं, वो संगबद्ध होकर के कुछ कर पाए। तो कार्यकर्ताओं को भी एक अवसर मिला, युवाओं को भी अवसर मिला, नीचे से ऊपर तक, टॉप टू बॉटम सबको एक अवसर मिला, तो उसके लिए निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। मैं तो इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया का और बस प्रणाम। मेरा अपनी बात समाप्त करती निश्चित रूप से ये शिविर सभी के परिश्रम से, सभी के सहयोग से संचालित हो रहा है और नई प्रतिभाएं तलाशने का, उनको तराशने का और उनको नियोजित करने का ये युवा आंदोलन का एक प्रमुख सूत्र है, प्रमुख आधार है। और मुझे याद है, दीदी जब बताई तो याद आ गया, एक बार युवा प्रकोष्ठ का दायित्व जब मुझे मिला था 2008 में शांति कुंज की तरफ से, उसके पश्चात में दीदी का 6 दिवसीय आवासीय शिविर था आमालोरी में दुर्ग जिले का, और वहां मुझे दीदी आमंत्रण की, मैं वहां गया, देखा, पहुंचा, तो मेरा पहला शिविर था जब इस प्रकार का देखा और दीदी से पहला परिचय भी था। और उस समय जब मुझे वहां पर कुछ बच्चों के बीच, युवाओं के बीच बोलने का अवसर मिला, तो उस दिन मेरे जुबान से ये सब 3 शब्द निकले थे, युवाओं को तलाशना, तराशना, नियोजित करना। और उसके पश्चात वो शब्द मेरे भीतर भी बैठ गया, उस दिन जो भी गुरु सत्ता ने जो भाव व्यक्त करवाया था, और ये जो 3 शब्द हैं आज युवा आंदोलन के प्रमुख आधार है। यही शब्द फिर यहां से होते हुए आगे तक गया, ऊपर तक गया, केंद्र तक गया और इन 3 शब्दों पर पूरा आधारित रहा, तलाशना, तराशना, नियोजित करना। और आपको याद होगा कि जब अपन नागपुर के राष्ट्रीय आयोजन में एक नीति निर्धारण हुआ पूरे आने वाले युवाओं का विजन 2026 में, युवाओं का निर्धारण कैसे होगा,
उस व्याओं का निर्धारण का भी ये यही एक वाक्य है जो आधार स्तंभ बना, तलाशना तराशना, एक शब्द और जुड़ गया, संगठित करना फिर नियोजित करना, ये चार उसके सूत्र बने युवा आंदोलन पूरी तरह से। तो आज भी हम सबका यही मानना है, यही इच्छा भी है कि हम सतत युवा कहने का अर्थ केवल भाइयों से नहीं है, भाई और बहन दोनों से है, और युवा कहने का मतलब है नई पीढ़ी से है, चाहे वो हमारे किशोरावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे ऊपर की अवस्था हो, नए लोगों को तलाशना, उन्हें तराशना अर्थात प्रशिक्षित करना, उन्हें संगठित करना, एक टीम के रूप में संगठित संगठन बना देना, और उनको रचनात्मक क्षेत्रों में नियोजित करना उनकी अपनी प्रतिभा क्षमता रुचि के अनुसार। ये क्रम सतत चल रहा है और यही आने वाला क्रम रहेगा जो सतत चलेगा, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चलेगा। तो भाइयों, इसमें आप सब की भूमिका और आप सब का योगदान हमको चाहिए। इसी प्रकार से शिविर चल रहा है, आगे भी इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आज ही के दिन 23 तारीख को प्रांतीय गोष्ठी हम बुला रहे हैं, पूरे प्रदेश का प्रांतीय गोष्ठी रहेगा, दोपहर में उसकी सूचना जारी करेंगे। जितने जुड़े हैं वो तो मैं अभी से सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। उसमें हम कल जो शांति कुंज से मार्गदर्शन मिला है संगठन के स्वरूप के संदर्भ में, और आगे का जो शांति कुंज से जो कॉन्फ्रेंस होगा शिविर का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अपने प्रदेश के स्तर पर जो रचनात्मक अभियान चल रहा है, यदि शिविर का भी जो क्रम चल रहा है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आने वाले 23 तारीख को 3 बजे से एक प्रांत स्तरीय गोष्ठी होगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। और अभी के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर अब मैं उषा बहन को भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपना विचार व्यक्त करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को प्रणाम। और जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का खरा अंत नहीं होता, जब शुरुआत अंत ही एक नई शुरुआत होती है, तो वैसा ही है समझ लीजिए। और इसके ऊपर तो काफी बातें भैया ने भी कही कि एक बीज डाला गया है। और ये ऑनलाइन ऐसे तो प्रत्यक्ष हम लोग शिविर अभी तक लगाते आ रहे थे, उसका परिणाम सभी जानते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं। ये प्रथम बार ऑनलाइन प्रारंभ हुआ, और जैसा कि दीदी ने कहा कि आप लोगों को कितना लाभ हुआ पता नहीं, लेकिन हमारी तैयारी बहुत हो गई। सही में आई बिल्कुल सही है, और एक नए तरीके से तैयारी हुई। रोज घर को स्टूडियो बनाना, और कभी इधर से कभी उधर से हर प्रकार की तैयारी हम लोगों को हुई कि कैसे ऑनलाइन कक्षाएं हम लोग ले, एक नया टेक्निक हम लोग भी सीख गए आप लोग के साथ साथ। और काफी बहुत बढ़िया हम लोगों का ये पूरा युवा शिविर का सफर रहा। और निश्चित है अगर इस शिविर में भले ही पंजीयन तो बहुत हुआ था, लेकिन हमारे कुछ भाई जो हमसे कंटिन्यू लगातार हमसे जुड़े रहे, अगर किसी 2-3 भाई के जीवन में भी गुरुदेव के विचार यदि घर कर जाते हैं और वो अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। क्योंकि जो भी बातें यहाँ पर बताई गई ये विचार क्रांति अभियान के तहत ही है, युग ऋषि के विचारों को सभी युवाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। और आप सब युवा यदि इससे प्रभावित हैं और अपने जीवन को सही दिशा में आप आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, तो हमारा ये शिविर सार्थक हुआ ऐसा हम महसूस करते हैं। और जैसा कि दीदी ने भी कहा, गुरु दक्षिणा आपकी यही है कि जितनी भी क्लासेस यहाँ पर हुई आप लोगों की, आप उसको बार बार देखिए, कुछ अलग से नोट किए होंगे तो उसको भी आप बार बार पलटिए अपने पन्नों को और याद रखे रहिए। शुरुआत जो हुई थी, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र, है ना, तो ये सारी जो चार सूत्र हैं युवाओं को सशक्त सबल श्रेष्ठ बनाने का, तो इन सूत्रों को आप याद रखिए। और वही प्रयास इस शिविर में हो रहा था ताकि आप सब युवा भाई बहनों के अंदर की जितने भी व्यक्तित्व के गुण आपके भीतर हैं उसका परिष्कार हो, इसी के लिए शिविर रहा। और कहने का तो ऐसे बहुत कुछ है पर समय बहुत अधिक हो रहा है, बस मैं थोड़ा सा कुछ एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को कहूंगी कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं मान लो अभी, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करिए। जिस भी पद या पोस्ट में आप जाना चाहते होंगे उसके लिए बहुत प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप जैसे ही श्रेष्ठ ईमानदार व्यक्तित्ववान युवाओं की आवश्यकता है। चाहे हमारे देश का कोई भी पद हो, आप किसी भी पद में आप
सर्विस करते हैं, तो वहां पर भी आप जैसे युवाओं की ही आवश्यकता है, ताकि कई भी प्रकार की जो विसंगतियां हैं हमारे व्यवस्था में वो भी समाप्त हो। आप जैसे श्रेष्ठ युवा जब आएंगे तो ये सारी विसंगतियां भी समाप्त होंगी। और इसी प्रकार हम राष्ट्र की सेवा भी करते हैं, है ना, अपनी व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ। यदि हम किसी, जैसा कभी भैया ने बताया, चरित्रवान व्यक्तित्व की एक परिभाषा उन्होंने बताई, व्यक्तित्व की परिभाषा जो उन्होंने बताई, ये सार्थक होगी आप सब युवाओं के माध्यम से। और आप सबको पढ़ें, सबको उन्नति करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और गुरुदेव का आशीर्वाद सतत आप सबको मिलता रहे। हाँ, वैसे एक कहानी के साथ मैं बात को समाप्त करूंगी। एक रेगिस्तान था, बहुत बड़ा रेगिस्तान था, और उसमें एक व्यक्ति ने एक दिन संकल्प लिया, क्योंकि उसका गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो पता नहीं क्यों उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं इस रेगिस्तान में पानी की तलाश करूं, कहीं ना कहीं मुझे पानी अवश्य मिल जाएगा, ताकि मेरा गांव और मेरे आसपास जितने भी गांव हैं उन सब की समस्या का समाधान हो जाए। और हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके अंदर एक प्रेरणा आई और उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं पानी की तलाश में निकलूंगा। और वो अपने साथ कुछ भोजन लेकर, कुछ पानी लेकर घर से निकल पड़ा। वो रेत में चलता गया, और कुछ जो भी उसके भोजन थे वो खाता पीता रहता था, और ऐसे करते करते हफ्ते निकल गए। जो भी उसके पास खाद्य सामग्री थी, पीने का पानी था, वो सब खत्म होता चला गया, और एक खत्म भी हो गया पूरा। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा, कहीं ना कहीं मुझे पानी जरूर मिल जाएगा। फिर देखा कि उसको बहुत जोर से प्यास लगी, अपने पानी का देखा सामान जिसमें पानी रखा था, पानी खत्म हो चुका था। अब वो क्या करे, प्यास से व्याकुल हो गया। तो उसको पता नहीं क्यों उसके भीतर से आवाज आई कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं गड्ढा खोदो। उसने गड्ढा खोदा तो देखा कि चमत्कार हो गया, एक प्रकार से चमत्कार क्या कहें उसके। उसने चूंकि भीतर से आवाज आई, उसने गड्ढा खोदा और सचमुच देखता है तो पानी निकल आया, लेकिन वो पानी बहुत गंदा था। लेकिन फिर भी चूंकि उसको अपने प्राण बचाने थे, और उसको उन्होंने संकल्प भी लिया था कि मुझे एक जलाशय ढूंढना है, तो फिर उन्होंने उस पानी को छानना और छान कर पी लिया। कम से कम प्राण बचाने के लिए काफी थे वो। फिर आगे बढ़ा और फिर उसको प्यास लगी, तो फिर वही बार बार उसके अंतर्मन से आवाज आती थी गड्ढा खोदो, और वो पानी पीता था। और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता गया, और जब वो और आगे निकल गया तो एकदम उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो क्या देखता है कि इस रेगिस्तान में उसके एक बड़ा सा जल का स्रोत मिल गया। वो बहुत बहुत खुश हुआ, वहीं पर घुटने टेक कर उसके आंसू निकाला, उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि इतना बड़ा जल का स्रोत है, और ये अब हम सब गांव वालों की प्यास ही बुझा सकता है, आसपास के गांव के लोगों की प्यास बुझा सकता है। फिर वो गया धन्यवाद ईश्वर को देते हुए। पहले तो वो खूब पानी पिया छककर, और पानी पीने के बाद इतना थका हुआ था कि उसको नींद आ गई, और वहीं पर एक वृक्ष के सहारे वो लेट गया। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो देखता है कि दूर से एक व्यक्ति चला आ रहा है, और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आता है। फिर वो पूछता है कि आप कौन हैं? तो जो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं अमुक गांव से आ रहा हूँ। तो फिर वो दोनों एक दूसरे का परिचय लेते हैं। तो जो पहला व्यक्ति रहता है वो पूछता है कि आप अपने गांव से कितने दिन में यहाँ पहुंचे? बोलता है कि बस मैं 2 ही दिन में पहुंच गया। पहले वाले व्यक्ति को हैरानी होती है कि मुझे तो इतना वक्त लगा था, 2 ही दिन में आप कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने कहा ऐसा है, मेरे भी मन में एक संकल्प था कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं, जल का स्रोत ढूंढूं, और मैं उसी के लिए निकला था। लेकिन मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान का कोई देवदूत मुझे रास्ता दिखाता चला गया। तो उन्होंने पूछा कैसे? मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने कुछ पद चिन्ह देखे, पैरों के निशान देखे, और पता नहीं क्यों मेरे भीतर से आवाज आई कि मैं उस पैरों के निशान के सहारे आगे बढ़ता गया। और मैं आगे बढ़ता गया, और जहां पर मुझे प्यास लगती थी, पता नहीं कैसे भगवान की कृपा, वहां मुझे गड्ढा दिखाई देता था और मैं उस पानी को पी लेता था। और ऐसे करते करते आज 2 दिन में यहाँ पहुंच गया, और इतना बड़ा जल का स्रोत है। वो कहता है कि निश्चित है मेरे लिए भगवान ने किसी देवदूत को मेरे आगे आगे भेज दिया था कि मेरा सफर भी जल्दी तय हो गया। जहां मुझे प्यास लगती वहां मैं जल पी लेता, और आज इतना बड़ा स्रोत मैंने खोज लिया। कहने का तात्पर्य है, युवा साथियों, आप समझ रहे होंगे कि इसी प्रकार आप जो युवा हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए पद चिन्ह छोड़ के जाएं, एक प्रकाश स्तंभ बन के जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी, क्योंकि जब कोई स्वयं मेहनत करता है तो बहुत हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन आप जैसे युवा यदि
आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान हो जाता है रास्ता। जैसे कि विवेकानंद हैं, हमारे गुरुदेव हैं, और भी हैं, इन महापुरुषों को देखकर यदि हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान होता है। उतना संघर्ष तो है, लेकिन फिर भी कम हो जाता है हमारा संघर्ष, क्योंकि हमारे आगे एक मार्गदर्शन उन लोगों का सतत मिल रहा है। इसीलिए ठीक इसी प्रकार युवा साथियों, आप भी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने, आपके आने वाली पीढ़ियां आपको देखकर आगे बढ़े, ऐसा आपका व्यक्ति आप अपने जीवन में साधना उपासना स्वाध्याय जो बताया गया था, चार सूत्र जो महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे, उसको आप अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए, तो निश्चित तौर पर आप भी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्ववान बनेंगे। और आप जहां पर हैं वहीं से आप अपने आप को यदि श्रेष्ठ बना लेते हैं, तो जैसा कि गुरुदेव ने कहा है, स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि इस शिविर से जो भी आपको लाभ हुआ और आपने अपने जीवन में उतार लिया, मान के चलिए कि आपका भी और इस पूरे समाज का भी सुधार ऐसे ही होता चला जाएगा। तो आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और ये जो पूरा कार्यक्रम जिसकी पूरी परियोजना आदरणीय राठौर भाई साहब ने कल्पना की और इस सामूहिक प्रयास से हुआ, आप सबके प्रयास से संपन्न हुआ, क्योंकि आप नहीं रहते तो कक्षाएं भी कहाँ से होती है ना। तो पहले तो राठौर भैया को भी धन्यवाद, उनकी दीदी से काफी कुछ हर बार उनसे सीखने मिलता है, हर बार कुछ विषय भले ही वही रहते हैं, लेकिन जितनी बार सुनो अपने वरिष्ठों को उतनी बार नया नया ज्ञान हमको सुनने मिलता है, उनका भी धन्यवाद। और जितने भी परिजन जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद, और हमारे युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस पूरे शिविर के संपादन में जो हमारे अन्य भाई लोग हैं जो कभी पर्दे पे नहीं आ पाए, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। विशेषकर ये तकनीकी वाला कार्यक्रम था, और इस तकनीकी में हमारे एक भाई हैं विनोद साहू करके, वो चूंकि ड्यूटी में हैं इसलिए नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी आप सबके तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका परिश्रम था, उनका मेहनत था। और दूसरा मेरी खुद की बिटिया है जिन्होंने इसको यूट्यूब में प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भी हम कार्यक्रम किए उसका, और भी अन्य तकनीकी जब भी जरूरत पड़ा उन्होंने इसको मदद की है। और इसके कार्यक्रम के बाद भी उसको जो आकार देते हैं हम यूट्यूब में, बैनर बनाने का काम आदि आदि सारा मेहनत बिटिया ने की है, तो उसको भी हम आप सबके तरफ से धन्यवाद देते हैं। शिविर की सूचनाओं को सभी तक पहुंचाने का सतत प्रयास हमारे प्रांतीय सहयोगी सुरेंद्र गुप्ता जी ने किया है पर्दे के पीछे रह करके, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर इस शिविर को इस बार विशेषकर जो सूचना प्रसारण की बात थी, हर एक शिविर के बारे में पहले से ही विस्तार से जानकारी देने का कार्य बहुत ही शानदार तरीके से हमारे कुलदीप भारती भैया ने निभाया है। हर एक विषय की भूमिका को बताते हुए विषय की जानकारी प्रदान करना, लगातार समूहों में प्रेषित करना, मैं कुलदीप भैया का भी धन्यवाद देता हूँ। और इसके पश्चात में टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने जो ज्वाइन किया है हमारी युवा भाई बहनों को, उसमें मैं कभी कभी देखता हूँ, दीदी भी सक्रिय रहती हैं, संदेश डालती हैं, उषा बहन भी डालती हैं, कुलदीप भारती भी डालते हैं, तो आप सबके यह सतत मेहनत है, प्रयास है। और यहाँ मेरे साथ यहाँ से ऑपरेट करने में, क्योंकि ये जो भी तकनीकी है वो मेरे घर से ही चल रहा है, प्रसारण पूरा होता है, तो मेरे साथ मेरे मित्र हैं योगेश साहू जी, वो मेरे साथ इसको सहयोग किए हुए हैं। सबकी मेहनत है और ये पहला प्रयास रहा है, निरंतर आप सबके सहयोग से और इसको बेहतर बनाएं और उसको व्यवस्थित बनाएं, ये भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और इसी के साथ ये आज के ये युवा शिविर का ये सत्र यहीं समापन की घोषणा करते हैं। नए सत्र के बारे में सबसे विचार विमर्श करने के पश्चात उसका निर्धारण होगा, और तब तक के लिए हम सबको विदा लेना होगा। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन जुड़े हुए हैं वो सभी को मैं आमंत्रित करूंगा 23 तारीख को 3 बजे प्रांतीय गोष्ठी में चिंतन मनन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। शांति पाठ। ओम।
देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेर्देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेहि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर भवति। आप सभी को प्रणाम।